खबर है मैनटांड से, जहां प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत गांव नरकटिया में राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत आए डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें लदे एक ट्रक चावल जो कि सभी के समक्ष दिखाई दिए कि वह सभी सड़े हुए थे। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछताछ कर पता चला कि यह राशन नरकटिया मोहम्मद आजाद जो कि यहाँ के डीलर हैं, उन्होंने बताया कि यह चावल जो आया हुआ है वह एकदम से सड़ा हुआ है, इसको अगर इंसान खाए तो बीमार हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जितना सड़ा हुआ यह चावल है वह लोगों के पास ही भेजा गया था, जिसको हमारे द्वारा देखा गया कि यह चावल सही नहीं है तो गाड़ी को वापस लौटा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के डीलर संघ का जो अध्यक्ष है उनके यहाँ अच्छे चावल मिले हैं। इसी क्रम में मीडिया द्वारा डीलर संघ अध्यक्ष के यहाँ जाकर देखा गया तो उनका चावल सभी के सभी एकदम अच्छी क्वालिटी में नजर आए हैं। इसे साबित होता है कि सरकार द्वारा दिए गए चावल को बड़े पदाधिकारी द्वारा या पैक्स अध्यक्ष द्वारा इसका घपला किया जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है और लोगों के बीच ऐसी सुदबुदाहट भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस मौके पर मौजूद जनता दल के जिला महासचिव प्रदीप पटेल ने बताया कि जितने भी डीलर लोगों के पास चावल गया है वह सबसे रद्दी चावल है, जिसको खाया जाए तो आदमी बीमार पड़ सकता है। अधिकारियों द्वारा मिली भगत के अनुसार चावल अच्छे का गुम हो जाना एक सोचनीय और सवालिया निशान है। खैर, देखना ये होगा कि आखिर इसके एवज में साफ सुथरा चावल कब प्राप्त होगा। आप हैं भारत से अनुमंडल ब्यूरो नरकटिया के, अभी हम नरकटिया गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे डीलर के पास कहना पड़ेगा मोहम्मद आजाद के पास इतना रद्दी चावल आया है जो कोई खा नहीं सकता। अभी आप देख सकते हैं चुपकी नहीं चावल भेजा जा रहा है। कितना दिन पहले चावल आया? कल आया 3 बजे। एक बात, चावल खाए थे द्वारा? सड़ा हुआ चावल है, कौन खाएगा? इस हाहाकार में बीमार से लोग पड़ रहा है, चावल खाकर और लोग मर जाएगा। एक बात, चावल आया था इसका आपने चेक नहीं किया पहले? चेकिंग किए, गोदाम में जब गया तो हम देखे सिकनी लगा कर तो सारा चावल डैमेज है, रोक दिए। अच्छा, गोदाम वाला जो चावल भेजा है वो क्या पूरा जी? बिहार में यही चावल आया है, लोकल है, पेक्स का जो आया है वही मिलेगा आपको। एक हम बात पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या जो भी आम जनता है वो यही चावल खाएगा? रिजेक्ट इनके कहने के हिसाब से जो गोदाम के मालिक है वो कह रहे हैं जो चावल है हम भेजे हुए, यही ना बात है? अभी आप देख सकते हैं, हम चावल दिखा रहे हैं आपको, और ये जो पदाधिकारी है उन लोग का इतना घटिया काम है कि ओरिजिनल चावल आ रहा है उसको कहीं और दे रहा है, और जो भी रिजेक्ट चावल है वो आम जनता के बीच भेजा जा रहा है। और ये जो चावल आपके पास इससे पहले भी कोई आया था? 3 महीने से यही चावल मिल रहा है। बिल्कुल, हम लोग थक गए हैं, कहते कहते हार गए हैं। अच्छा, तो बड़ी पदाधिकारी उनसे आपने बात किया? गोदाम मैनेजर से मैंने बात किया, किराए से बात किया। क्या नाम है गोदाम मैनेजर का? नाम बता। किदार का आदमी का नाम है अशोक। अशोक कहाँ के रहने वाले? भूषण पटिया का। देखिए, बड़ी पदाधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से लोगों के बीच रिजेक्ट चावल जो आप खा नहीं सकते वैसा चावल भेजा जा रहा है मैनटा प्रखंड के नरकटिया गांव में। बताइए, जो आपके अध्यक्ष है उनसे बात हुआ है? क्या बात है? यही चावल आया, क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद बोल रहे हैं कि यही चावल आ रहा है, उनके पास यही चावल क्या है? चलिए ठीक है, उनके पास भी देखते हैं, अध्यक्ष के पास कौन सा चावल आया और कैसा चावल आया, इनके पास कैसा चावल। अपना परिचय दीजिएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप पटेल, जनता दल यू के जिला के महासचिव हुए जी। जी, और आज मुझे गुप्त सूचना मिली इंद्रकटिया का, जो मैनटांड प्रखंड से जो है गाड़ी डिस्पैच किया गया था, तो मैंने जो है यहाँ मौके पर पहुँचा और आम जनता से जो है हमारे यहाँ हमारे आम जनता सारे लोग हैं, और इस गुराव में जो है एकदम घटिया चावल जो है भिजवाया गया है, जो वहाँ का जो गुराव का जो एपी है डायरेक्टर जो है वो अशोक क्या नाम बोलता है, लोगों ने उनका नंबर दिया, नंबर पर बात करने पर जो है वो आदमी बोल रहा है कि इसी तरह का जो है गोदाम में माल आया है। तो ये जो पदाधिकारी हैं हमारे सरकार का, ये एकदम घटिया है, जो हमारी सरकार को जो है माननीय नीतीश कुमार जी को बदनाम कर रहे हैं। इस पर मैं यहाँ का एमओ जो मैनटांड प्रखंड का जो सुशील प्रताप सिंह जो है, मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए और सरकार को गुमराह मत कीजिए, सरकार को बदनाम मत कीजिए। मेरी सरकार आज पूरे बिहार में यह जो राशन जो है इस महामारी में कोविड महामारी में जो है हमारी सरकार मई में भी राशन देने के लिए जो है ऐलान की है। हो सकता है कि हमारे गरीब लोग जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है
उनको जो है यहाँ राशन मिले हुए कम से अमन चैन से अपने परिवार में अपनी जिंदगी को अपने घर में रहकर बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। ये हमारी सरकार जो है इस पर काबू पाने के लिए अभी काम कर रही है और हमारे यहाँ के पदाधिकारी और FCI के जो वहाँ के डायरेक्टर हैं ये जो है मिली भगत से और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं डीलर लोगों का अध्यक्ष हैं इन लोगों पर दबाव बना करके मैंने यहाँ इस धरातल पर मैंने आया हूँ और मैं गोदाम में भी देखा हूँ एकदम घटिया चावल है और यह घटिया चावल ऐसे चावल खाने जानवर भी नहीं खा सकते हैं। ये तो हमारे मानवता से एकदम खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस चावल को जो है जस्ट जो है इस गोदाम को भी मेहनत और गोदाम को भी जो है जांच करवाया जाए और सील करवा के इस पर कार्रवाई हो, जैसे कि ऐसा चावल खाने से बहुत बड़ी महामारी होगी और यहाँ हमारी आम जनता को जान चली जाएगी। मैं यह सच बयान करते हुए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ और पदाधिकारी लोग इस पर ध्यान दें, इन लोगों पर पदाधिकारी लोगों पर भी हमारी सरकार कार्रवाई करे। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। R9 भारत के लिए अनुमंडल ब्यूरो नरकटियागंज कैमरामैन नजीमुद्दीन के साथ अवधेश गिरी मैनाटांड बिहार। खबर है बघा से जहां वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने ठकराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मियों को निर्देश भी दिए। सांसद सुनील ने अपने दिए गए निर्देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों से कहा कि अभी का माहौल कुछ और है, ऐसे में आप सभी मानव जीवन बचाने के लिए आगे आएं और मरीज जो अस्पताल पहुंच रहे हैं उनका इलाज करने में कोई भी कोताही ना बरतें। सांसद ने अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, साफ सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया। मौके पर कोई भी MBBS चिकित्सक सांसद को नहीं मिला। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान डॉक्टर रोहित सिंह डेंटिस्ट उपस्थित रहे। सांसद सुनील कुमार ने समाज सेवी और आम जनता ने अस्पताल की कई समस्याओं से उनको रूबरू भी कराया। सांसद सुनील कुमार ने इस लापरवाही पर फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। साथ ही सुनील कुमार ने कोरोना पेशेंटों के लिए एक अलग एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था करने की बात कही है। R9 भारत के लिए धीरज श्रीवास्तव बगहा बिहार। भागलपुर जगदीशपुर थाना बायपास TOP के समीप एक टेम्पो से भरी मात्रा में TOP पुलिस द्वारा विदेशी शराब बरामद करी गई। आपको बता दें, जगदीशपुर की ओर से शराब भरी एक टेम्पो भागलपुर की ओर जा रही थी। इसी क्रम में बायपास TOP थाने के समीप पुलिस की गाड़ी को देखते हुए TBS शोरूम के पहले ही बीच सड़क पर टेम्पो छोड़कर चालक फरार हो गया। बीच सड़क पर खड़ी टेम्पो को देखते ही पुलिस को शक हुआ तो टेम्पो को TOP थाना लाकर चेक किया गया। 35,700 लीटर विदेशी शराब बरामद करी गई है। टेम्पो सहित पुलिस ने विदेशी शराब को जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार भागलपुर बिहार।